फ्रेंड्स, ऋतिक रोशन की न्यू मूवी फाइटर जो कि कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, और इसके बारे में मैं सुन रहा हूँ कई लोग कह रहे हैं कि पिक्चर फ्लॉप हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि ये मूवी फ्लॉप नहीं गई है। ये 250 करोड़ के बजट में बनी है और अब तक 300 करोड़ ये बॉक्स ऑफिस पे कमा चुकी है इंडिया ओवरसीज को मिला के, और OTT के भी राइट्स के जो पैसे हैं वो इसमें ऐड हो गए। सो दिस मूवी इज नॉट ए फ्लॉप। हाँ, ब्लॉकबस्टर हिट नहीं है, बट इसको हम सेमी हिट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और जो भी इसकी बुराई कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो वही लोग हैं जिन्होंने ये मूवी देखी ही नहीं है, और पहले से प्री डिसाइडेड उनका है कि जी बुराई करे। जो भी ये मूवी देखेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको ये पसंद ना आए, वो इसकी बुराई करे। ये इतनी बेहतरीन मूवी है, और इंडिया की ये पहली ऐसी जेट प्लेन्स की फाइटर्स की मूवी है हवा में, जो कि बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की है और टक्कर देती है हॉलीवुड को, उनसे कहीं भी कम नहीं है। जैसे टॉम क्रूज की जो टॉप गन थी, मुझे तो थोड़ा सा उससे भी बेहतर ही लगी ये मूवी। इतनी बढ़िया लगी, जबरदस्त, इसका एक्शन बिल्कुल ए ग्रेड, क्वांटिटी भी बढ़िया है और क्वालिटी भी ए ग्रेड का एक्शन है। और सिर्फ हवा में ही एक्शन नहीं है, फाइटर प्लेन्स का ग्राउंड का भी एक्शन है, और साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन भी है, पर वो क्लाइमेक्स में है। पर जो फाइटर प्लेन्स का एक्शन है वो पूरी मूवी में शुरू से ही चलता है, और देशभक्ति की मूवी है जिसमें कि ऋतिक रोशन पाकिस्तान के साथ लड़ते भिड़ते नजर आते हैं। और मूवी में थोड़ा सा अगर मैं कोई नेगेटिव पॉइंट कहूँ तो वो ये है कि जब एक्शन नहीं है तो जो स्टोरी और प्लॉट है इसका है तो अच्छा, बट वो थोड़ा सीरियस और इमोशनल किस्म का है, तो कुछ लोगों को वो बोर भी कर सकता है। बट इसके बावजूद ओवरऑल जो मूवी है ये क्लासिक मूवी है, एक मास्टरपीस मूवी है। इट्स ए कल्ट क्लासिक जिसको कि आज शायद इतना नहीं सराहा जा रहा, बट वक्त के साथ इसको वो अहमियत दी जाएगी, और मैं इसको एक मस्ट वॉच कैटेगरी की मूवी में रखूंगा फ्रेंड्स। ये देशभक्ति की बढ़िया मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन ने कमाल का काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, और बाकी दीपिका और अनिल कपूर थोड़े इसमें ऋतिक के सामने पीछे नजर आए हैं, उनका रोल भी कम है, और जो एक्चुअल एक्शन और फाइटिंग सीन्स है वो सारे ऋतिक के पास ही है। सो ऋतिक इसमें छाए हुए हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऋतिक रोशन, और मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स। इट्स ए मस्ट वॉच मूवी, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। अगर आपको प्लेन्स का एक्शन ही पसंद नहीं है तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, तब आपको टॉप गन भी पसंद नहीं आई होगी, बट अदरवाइज ये एक मस्ट वॉच मूवी है। और सिनेमा हॉल्स में अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अभी भी जाके देख सकते हैं, और OTT पे तो इसको तब जरूर देखें आप। मैं भी OTT पे जब आएगी तो एक बार फिर से देखूंगा, और फ्रेंड्स मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, और मेरी रेटिंग्स होगी फाइटर के लिए 4.5 आउट ऑफ 5।